हेलो एंड वेलकम गाइस इन माय चैनल टेक्निक टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल फोटोज का ऐसा राज जो शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम किसी का बर्थडे आया है तो हम उसकी वीडियो बनानी है किसी भी ऐप से, तो उस वीडियो बनाने में उसकी जितनी भी फोटोज है उन सबको हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन हमारी गैलरी में बहुत सारी फोटोज होती है और हमें सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है बिना टाइम वेस्ट किए उसकी फोटोज की जितने भी फोटोज है आपकी गैलरी के अंदर वो सब आप एक ही सेकंड के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वीडियो भी बहुत आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल फोटोज को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा, जो कि पहले से ही होता है डिफॉल्ट के गूगल की तरफ से। और अगर आपके ये इंस्टॉल ना हो तो प्लीज इसको इंस्टॉल कर लेना। और आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणव अरोड़ा और टेक्निक टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों सब कुछ बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए चाहिए होगा एक मोबाइल फोन। आ जाने के बाद हमको जाना है अपने फोटोज के अंदर। फोटोज एक ऐप है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर गूगल अपने आप ही उसका आपको डिफॉल्टली आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके रखता है। तो आपको फोटोज को सर्च मार लेना है। फोटोज का ऐप ओपन करेंगे जैसे ही आप, तो आपको नीचे में चार ऑप्शन मिलेंगे, फोटोज, एल्बम, फॉर यू और शेयरिंग। उसके अंदर आपको जाना है एल्बम के अंदर। एल्बम के अंदर जैसे ही जाएंगे आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपल का। पीपल के अंदर जाते ही आपके फोन के अंदर जितने भी लोगों की फोटोज होगी उन सब के फेसेस वहां पे शो कर दिए जाएंगे, और आपको जिस फेस की वीडियो बनानी है या फिर उसका एल्बम बनाना है उस फेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल में यानी आपकी गैलरी के अंदर उसकी जितनी भी फोटोज होगी सब वो एक एल्बम के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, और आप उसकी आसानी से वीडियो बना सकते हैं या फिर एक पूरा का पूरा एल्बम ही आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो बहुत खुश होगा और आपकी मेमोरीज भी शार्प हो जाएगी। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही।